उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर जो चर्चा चल रही है उसमें भाग लेते हुए मैं भी अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस पर विचार करते समय दो स्थितियों को हमें दृष्टि में रखना होगा। एक दृष्टि यह है कि किस स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है उसमें हमें क्या करना है, और दूसरी दृष्टि यह है कि भविष्य में देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब तक इन दोनों दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए इस बजट को नहीं जांचेंगे तब तक हम यह निर्णय नहीं कर पाएंगे कि यह जो बजट हमारे सामने रखा गया है वह देश की दृष्टि से उचित बजट है या नहीं। जब मैं इस समय की स्थिति को देखता हूँ तो मेरे सामने देश की संकटकालीन स्थिति आ जाती है। इस तरह से चीन और पाकिस्तान की तरफ से हमको खतरा है, किस तरह से वे देश पर हमला करना चाहते हैं और किस तरह से हमारी आपसी एकता को मिटाकर हमको लड़ाकर देश में देशद्रोह फैलाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जब मैं पिछले बजट को सामने रखता हूं तो मुझे यह कहना पड़ता है कि आज का बजट चाहे जिस स्थिति में रखा गया हो बहुत सुंदर बजट है। एक ईमानदार कोशिश हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट को तैयार करते समय की है, लेकिन एक राजनीतिज्ञ की दृष्टि से जब मैं देश के भविष्य की ओर देखता हूं तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि कोई विशेष समाधान इस बजट से नहीं निकलता। मैं जिस पार्टी से संबंध रखता हूं उसका जो उद्देश्य है उसको सामने रखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि जो हमारे सामने आदर्श हैं वे सब आज ही पूरे नहीं हो सकते। हमारे वित्त मंत्री या हमारी सरकार आज ही सब कुछ नहीं कर सकती या स्वर्ग लाकर हमारे सामने खड़ा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी यह मैं अवश्य देखना चाहता हूँ कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है या नहीं। जिस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं उसे देखकर मुझे निराशा अवश्य होती है। जो प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ उसके मूलभूत विचार में आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ हमने यह निश्चय किया था कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना खत्म होने तक देश की जनता की जरूरत की चीजें पूरी कर दी जाएंगी। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें हमने साफ साफ कहा था कि जो गरीब वर्ग है जिसकी गरीबी के बारे में सभी जानते हैं उसको देश की आमदनी का जो औसत है वह अवश्य ही मिल जाएगा, और इस दिशा में हमारा प्रयत्न जारी रहे। हमारा जो बजट है उसको जब तक अपनी आर्थिक व्यवस्था या अपने विचारों के अनुसार नहीं आकेंगे तब तक उस ध्येय की पूर्ति नहीं हो सकती। यदि इस दृष्टि से अपने बजट को देखते हैं तो हम इसे न अधिक और न कम नंबर दे सकते हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि सरकारी या सरकार जिन संस्थाओं को सहयोग देती है उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देश की उन्नति का विचार करें परंतु खाने की पुष्टि देकर नहीं। यह कार्य शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए। इसका कारण यह है कि उच्च श्रेणी आम जनता
का आदर्श होती है और जो कुछ उच्च श्रेणी के लोग करते हैं उसकी नकल कनिष्ठ श्रेणी के लोग करते हैं। इसलिए यह काम पहले उच्च श्रेणी पर हो जाए तो आम जनता पर उसका प्रभाव अवश्य गहरा पड़ेगा। सप्ताह में 2-4 भोजन छोड़ना का जो मेरा सुझाव है, इससे न केवल अनाज, वरन ईंधन, तेल, कोयला आदि सबकी बचत होगी। भोजन छोड़ने के अलावा अन्न बचाने का और भी एक तरीका है, वह भी सामूहिक सामाजिक श्रेणी पर किया जा सकता है। जानते हैं कि इस देश में 10% अन्न कौन खराब करता है? कीड़े, पंछी, बंदर और बोरियां ठीक न होने से अनाज गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। यह विचारणीय है। इस प्रकार 80 लाख टन बर्बाद होने वाले अन्न को बचाया जाए, जो भारतवर्ष को किसी भी देश से अन्न की भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्रीमन, यह अपराध कबूतरों, बंदरों, कीड़ों आदि का नहीं है, यह अवश्य ही हमारा अपराध है। आज तक विदेशों से हमको अनाज मिलता रहा है, इसलिए हम लापरवाह थे, इसलिए अनाज का विनाश होता रहा, परंतु अकाल पड़ेगा जैसा कि इस वर्ष पड़ रहा है, तभी हम जागे तो यह ठीक नहीं है। हमें अन्न के नाश को रोकने की सतत कोशिश करनी चाहिए, उसकी बचत करना हमारा परम कर्तव्य है। यह काम हर किसान, बच्चा और युवक कर सकता है और उन्हें करना चाहिए। अन्न बचाने की समस्या केवल कानून के जरिए हल नहीं होगी, यह बात भी सामाजिक चेतना पर निर्भर है।